नमस्कार। हम उस दौर में हैं जब हनुमान जी भी सियासत का हिस्सा बन गए हैं। कोई उनकी जाति विशेष कर जाता है, कोई धर्म ही बता देता है। पटना के पोस्टर पर हनुमान जी छाए हुए हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सियासत में फंस गए हनुमान। जय सियाराम। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं अक्षय आनंद। बिहार की बात में आज मुद्दा पटना में चल रहे पोस्टर वॉर का। भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने, पोस्टर्स में क्रिएटिविटी, मगर जो खड़े हैं गदा लिए हनुमान जी ही अंकित हैं। कांग्रेस कह रही है भाजपा को वोट मत दो। आपकी स्क्रीन पर अभी एक फोटो आएगा। ये पोस्टर कांग्रेस द्वारा लगवाया गया, इसमें आप देखिए क्या कुछ लिखा है। भाजपा नेताओं ने किया महापाप, दलित, जाट, चाइनीज बताने के बाद भगवान हनुमान को बताया मुसलमान। भाजपा को वोट देने वाले होंगे पाप के भागीदार। इस तस्वीर में आपको माँ गंगा भी दिख रही होगी, गौ माता भी दिख रहे होंगे, श्री राम भी है, हनुमान जी भी कुछ कह रहे हैं। तो दर्द दिखाया जा रहा है। माँ गंगा का मैं पुत्र हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। याद होगा आपको, हमारे प्रधानमंत्री जब बनारस आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। आज वो अपनी माँ की कितनी ख्याल रख रहे हैं उसका उदाहरण नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो। 5 साल बीत जाने के बाद भी, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी गंगा की हालात सुधरी नहीं है। करोड़ों रुपए पास हुए, खर्च पूरे अभी नहीं हुए हैं, बाकी है। पहले उमा भारती को बनाया गया मंत्री, बाद में उन्हें हटाकर नए मंत्री बनाए गए, ताकि नितिन गडकरी बहुत परफेक्ट माने जाते हैं अपने मंत्रालयों को लेकर, तो उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। मगर माँ गंगा अभी भी बुरे हाल से गुजर रही हैं। उनके बेटे, उनके सपूत कुछ नहीं कर रहे। कुछ और लोग भी हैं जो देश के अलग अलग जगहों पर अनशन पर बैठे हैं, उसमें से 2 या 3 लोग मर भी चुके, मगर उन्हें कोई पूछने भी नहीं आता है। अब फैसला थोड़ा मुश्किल है कि माँ गंगा के असली सपूत कौन है, जो उनके लिए अनशन पर बैठकर अपनी जान देने को तैयार हैं, या जो बस भाषणों में उनका नाम लेते हैं, उनके जयकारे करते हैं। इस पोस्टर में एक और चीज़ आपको दिखी, गौ माता। गौ माता को बचाते बचाते तो 3 राज्यों में भाजपा की भैंस पानी में चली गई। जिस तरह से कांग्रेस ने भाजपा को ओवरकम किया, उससे इन 3 हिंदी भाषी राज्यों में नतीजों से यह साफ हुआ कि जब मुद्दा जनता की रोटी का होगा, कपड़ा का होगा, मकान का होगा, शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, तो न मंदिर चलेगा न गौ माता। गौरक्षा के नाम पे जो माहौल देश में बना है वो तो आप देख ही रहे हैं। बुलंदशहर के एक इंस्पेक्टर की मार मार कर हत्या कर दी जाती है ताकि गाय बच सके। किसी बुद्धिजीवी ने कहा कि आप बेशक गाय बचाएं, मगर उसके लिए इंसान को ना मारें। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी होती है, मगर सड़कों पर हम अभी भी देखते हैं कि गाय जो है वो प्लास्टिक, कूट या कुछ सड़क किनारे रखा कचरा खा रही हैं। उस वक्त उन्हें कोई खाना पूछने के लिए नहीं आता, मगर जब माहौल खराब करने की बात होती है, अलगाववाद फैलाने की बात होती है, तो लोग लाठी डंडे लिए उतर जाते हैं और एक पुलिस अधिकारी को भी नहीं बख्शा जाता है। मुद्दा चिंताजनक है, मगर फिलहाल पटना में ही रहते हैं। इस पोस्टर से पहले एक और पोस्टर कांग्रेस ने लगवाया था, वो पोस्टर भी हम आपको दिखाते हैं। हनुमान जी इसमें रो रहे थे। इस पोस्टर में लिखा था कि प्रभु हमें दलित बताने वाले दुष्ट योगी को भी 5 राज्यों की तरह क्षमा मत कीजिएगा। हनुमान जी राम जी से गले लगकर रो रहे हैं और अपनी दिल की व्यथा बता रहे हैं। स्क्रीन्स पर आपको ये पोस्टर भी साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। मुद्दा जहां विकास का होना चाहिए, जहां बातें शिक्षा और स्वास्थ्य की होनी चाहिए, वहां पर हनुमान जी की जाति धर्म डिफाइन हो रही है। और यह सिलसिला और आगे तब बढ़ गया जब भाजपा के एक नेता भुक्कल नवाब ने उन्हें मुसलमान बता दिया। यह तस्वीर देखिए जिसमें भुक्कल नवाब हाथ में कागज लिए खड़े हैं, इनका इस कागज पे वो नाम लिखे हैं। दरअसल भुक्कल नवाब ने कहा कि जब बात होती है हनुमान जी को जाति धर्म में बांटने की, तो हम आपको बता दें कि हनुमान जी जो थे वो पूरे विश्व के थे,
हर धर्म के थे, हर मजहब के थे, हर मिल्लत के थे और हर धर्म को प्यारे थे। जहाँ तक हमारा मानना है कि हनुमान जी मुसलमान थे, इसलिए हमारे यहाँ जो नाम रखे जाते हैं रहमान, रमज़ान, फरमान, ज़ीशान, कुर्बान, जितने भी नाम रखे जाते हैं वो करीब करीब हनुमान जी के नाम पर ही रखे जाते हैं। बुक्कल नवाब यहाँ ही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों में बताइए कि कितने लोग जिनके नाम हनुमान के नाम पर रखे गए हैं, सीधे हनुमान जी के नाम पर तो रख सकते हैं, लेकिन उनसे मिलते जुलते नाम रखना ये इस्लाम में ही है, ये हमारे यहाँ मुसलमानों के वहाँ हैं। यहाँ जितने भी नाम हैं वो हनुमान से मिलते जुलते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि हनुमान जी मुसलमान हैं। क्या इस बात से फ़र्क पड़ती है कि हनुमान जी का धर्म क्या है? अगर आपके पेट में रोटी नहीं है, आपकी स्वास्थ्य खराब है, तो ज़रूरत है आपको पैसों की, पैसों के लिए रोज़गार नहीं है, आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, उनसे आपको बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी, मगर पेट का क्या? खाना तो आपके ये दो हाथ ही आपको ला के देंगे, काम आपको करना पड़ेगा। सिर्फ भगवान का नाम जपने से या किसी भी धर्म गुरु का नाम जपने से, ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, कुछ भी कह ले, सिर्फ नाम जपने से तो नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस देश में शिक्षा को सुधार करने के वादे किए गए थे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया गया था, वहां बड़े बड़े और वादे, कुछ ब्लैक मनी को वापस लाने की भी बात कही गई थी, और भी कई वादे। रोजगार की बात करें तो अब हमारे देश में रोजगार का आंकड़ा ही नहीं पेश होता है कि पता ना चले कि कितने लोग बेरोजगार हैं। यह ट्रेडिशन कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ है, 1.5 साल हुए हैं अभी। इस साल पिछले साल का भी जो आंकड़ा था बेरोजगारी का वो नहीं आया, इस साल का भी अभी आने का वक्त बाकी है, लेकिन जब पिछले का ही नहीं आया तो इस साल का क्या आएगा? नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या काला धन वापस आया, हमारे अकाउंट में आया कि नहीं, ये भी नहीं पता चला, लेकिन अभी एक अफवाह उड़ रही है कि हमारे अकाउंट्स में कुछ पैसे आने वाले हैं। शायद अच्छे दिन तो नहीं आ पाए हों, लेकिन कुछ पैसे आ जाएं ज़रूर, मगर उसके साथ भी खेल देखिए कि वो हमारे आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंक होगा उसमें आएगा, और उस पैसे को ग्रहण करने के बाद हम वो सब्सिडी हमें छोड़नी पड़ सकती है जो हम गैस सिलेंडर और अन्य चीज़ों पर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सुविधाएं काट दी जाएंगी और हम खड़े होंगे वहीं जहाँ पर हम आज हैं। रोज़गार बेशक नहीं मिला, और भारत में युवाओं की संख्या बहुत है, करीब 60% युवा हैं भारत में, उसमें से एक भारी प्रतिशत है जो बेरोजगार है, जो नेताओं की भाषण से मंत्रमुग्ध होकर उनके इशारों पर कुछ कर देता है, और जब कुछ किया जाता है तो उसमें मरने वाले वो आम बेरोजगार भूखे प्यासे लोग होते हैं जो छोटी सी लालच पर वहाँ पहुँच जाते हैं। बड़ा फ़ायदा मिलता है उन नेताओं को जिनके बच्चे एसी कमरों में रहते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, मगर जब माहौल ख़राब होता है तो पिसते हैं आम और गरीब लोग। प्रदर्शनों में देख लीजिए, रैलियों में देख लीजिए, किसी नेता के बेटा को कभी आंदोलन करते देखा है क्या? नहीं देखा होगा, देखा भी होगा तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत आगे बढ़ के, और आंदोलन के साथ साथ जो हिंसा भड़काने का प्रयास होता है उनमें तो बेशक ही वो नहीं आते, आम लोग पिस जाते हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है और नेता भी यही चाहते हैं कि हम शिक्षित ना हों, ताकि हम उनके जुमलों को छोड़ मुद्दों की बात करने लगे। वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, मगर अब तो डिसाइड हमें करना है कि हम अपने मकसद को कितना पूरा कर पाते हैं। दरअसल ये डिबेट शुरू होता है जब अलवर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बयान दे रहे होते हैं और वो कह जाते हैं कि हनुमान जी दलित थे। हनुमान जी की जाति बताने के बाद उनकी चारों ओर आलोचना होती है, और अब देखिए कि पटना के हनुमान मंदिर, जो महावीर मंदिर पटना जंक्शन के पास है, वहाँ पहुँचते हैं योगी आदित्यनाथ। प्रेस का जमावड़ा लगा होता है और साक्षात हनुमान जी के सामने बैठकर इस बात को कहते हैं कि उनका मकसद हनुमान जी की जाति नहीं बताना था, बल्कि वह हनुमान जी की मेहनत को दर्शा रहे थे, उनके कर्मों को दर्शा रहे थे, और उनकी जाति की विशेषता उन्होंने नहीं की, बल्कि उनके बयान को बदल कर पेश किया गया और कुछ चेंजेस कर
दलित वाले बयान को उनसे जोड़ा गया, हालांकि उनका भाषण आपने भी सुना, हमने भी सुना है। चुनावी रैलियों में जब स्टार प्रचारक पहुंचते हैं तो आंकड़ों को भूल जाते हैं। नेता कैसे आंकड़ों को याद रखे जब प्रधानमंत्री भी गलत आंकड़े पेश करने में नहीं सोचते। हाल बुरा तो हमारा है कि हम आंकड़ों में गुल हो जाते हैं और मुद्दों को भूल जाते हैं। हालात ऐसे ही बन रहे हैं। पटना की जो सड़कें हैं वो आजकल इसी पोस्टर से रंगी हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं कि जो हनुमान जी के भक्त हैं वो भाजपा को वोट ना दे। कांग्रेस के पोस्टर्स कह रहे हैं कि जो हनुमान के भक्त नहीं हैं वो भाजपा को वोट ना दे। इस बयान से हमें 2014 के उस बयान का याद आता है जब गिरिराज सिंह ने कहा था कि जो मोदी के खिलाफ है वो पाकिस्तान चले जाए। बताइए, लोकतांत्रिक देश है, आप आज़ाद हैं किसी भी विचारधारा को मानने के लिए, किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए। उसके बाद ऐसा बयान, नतीजा आज केंद्रीय राज्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह। भाजपा के दूसरे बयानवीर अश्विनी कुमार चौबे भी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। इनके मंत्री परिषद और इनके मंत्री के कार्यकाल को आप देखें तो आपको ऐसी कोई उपलब्धियां नहीं मिलेंगी जिनसे इन्होंने मीडिया में नाम हासिल किया हो या मीडिया में आए हो या कोई बहुत बड़ा काम ऐसा किया हो या बड़ा काम ऐसा किया हो जिससे इनको जो मंत्रालय सौंपे गए हैं उसका फायदा हो। मगर इनके बयानों के कारण ये अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और कहीं ना कहीं बयानों का ही नतीजा है कि इनका बिहार भाजपा में कद बड़ा है, सेंट्रल के मिनिस्टर बन गए हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री। हालांकि अब जो दो बयानवीर हैं भाजपा के उनकी टिकट कटती हुई नजर आ रही है भाजपा से। बक्सर के लिए अश्विनी कुमार चौबे हैं, वो भी स्थानीय नहीं है, भागलपुर से आके बक्सर में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीते। गिरिराज सिंह नवादा से चुनाव लड़े, जीते। मगर इस बार नवादा सीट वीणा देवी के खेमे में जाती नजर आ रही है। बक्सर पर मंगल पांडे के लड़ने की बात हो रही है तो भाजपा जिन दो बयानवीरों को आगे करके हिंदुत्व का एजेंडा चला रही थी उनकी खुद की सीट कटती नजर आ रही है। बहरहाल मुद्दा यह नहीं है कि किसकी सीट कट रही है किसकी सीट नहीं कट रही है, मुद्दा यह है कि देश में रहने के लिए युवाओं को है नौकरी की जरूरत और जो और लोग हैं उन्हें कम से कम खाना तो चाहिए। खाना मिलता रहे, नौकरी मिलती रहे, घर चलता रहे तो जिंदगी नेताओं के बयानों पर निर्भर नहीं होगी, जिंदगी सुगम सफल सुखद चलती रहेगी। मगर एक बार फिर से अब चुनाव नजदीक है, पोस्टर वॉर तो चलेंगे, मगर हमें जरूरी यह है कि हम मुद्दा किस चीज पर करें। कुछ लोगों ने एक कार्यक्रम में नारा लगा दिया कि जो मंदिर बनाएगा वोट वही पाएगा, मगर जरूरी क्या है? खाना, रहना, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी एक बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और जब पेट में खाना होगा तो राम का गुण तो गाएंगे ही। भगवान का होना, भगवान पर भरोसा करना अच्छी बात है, वो हमारे अंदर के डर को मिटाता है, मगर उनके नाम पर राजनीति कर झांसे देकर एक समाज को रखना बुरी बात है। एक संविधान जो देश में आज़ादी देता है साथ रहने की, उसे किसी धर्म के नाम पर बांटना बुरी बात है। और अब यह हमारे ऊपर है कि हम इंसानियत को चुने, संविधान को चुने या उन नेताओं की बात को सुन लें जिससे सिर्फ हमारा नुकसान और उनका फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा शायद कभी ना हो पाए। आपके ऊपर है इस बात को सोचना, आप भी सोचिए, विचार करिए। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, अपने वोट से असर दिखा सकते हैं आप आज़ाद हैं सोचने के लिए, मगर एक अच्छा समाज भी बहुत ज़रूरी है कि हम और आप साथ बैठकर आराम से रह सकें। बात जाति धर्म की ना हो, बात एक अच्छे समाज के निर्माण की हो, बात बिहार के विकास की हो, इस देश के विकास की हो। बहरहाल आज बिहार की बात में बस इतना ही, लेकिन आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए क्योंकि बिहार से जुड़े तमाम मुद्दे हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।